वायरोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस में सेंटर में डीएनए कोर, इसके दोनों तरफ लेंस एपिडी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे लेटरल बॉडी और इसके चारों ओर आउटर मेम्ब्रेन, देन उसके बाहर एनवेलप। पॉक्स वायरस पॉक्स वायरिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसमें दो सब फैमिली आती है, एंटेमोपॉक्स वायरिनी और कोडोपॉक्स वायरिनी। कोडोपॉक्स वायरिनी में वर्टिब्रेट्स वाले पॉक्स वायरस आते हैं, और जो एंटेमोपॉक्स वायरिनी है उसमें इंसेक्ट वाले। एंटेमो मतलब इंसेक्ट और कोडो मतलब वर्टिब्रेट। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका शेप कैसा है, ब्रिक शेप यानी ईंट का आकार है। इसका साइज देखें तो 300 × 200 × 100 नैनोमीटर है। इसमें कोई प्रत्यक्ष सिमेट्री यानी डिस्क्रिनेबल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के दोनों साइड लेंस एपिडी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे डीएनए कोर के दोनों साइड लेंस एपिडी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे लेटरल बॉडी कहा जाता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 1% फिनोल के प्रति रेजिस्टेंट है। फिनोल से इनएक्टिवेट हो जाता है, इथर से इनएक्टिवेट नहीं होता क्योंकि ये इनवेलप वायरस है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन, एलएस एंटीजन जो कि हीट स्टेबल और लाइबल भी हो सकता है, हिमाग्लूटिन और ए ग्लूटिनोजन। इसका कल्टीवेशन तो इसको चीक एम्ब्रियो की एलियोटोनिक मेम्ब्रेन में ग्रो कराया जाता है, वहाँ पे ये पॉक्स प्रोड्यूस करता है कोरियोलेंटेनिक मेम्ब्रेन में। उसी के बेस पे इसको दो में बांटा, वेरियोला पॉक्स और एक्सिना पॉक्स। अब जो वेरियोला पॉक्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, कॉन्वेक्स साइनी, नॉन नेक्रोटिक, नॉन हेमरेजिक। बट वैक्सीना वाले जो होते हैं हेमरेजिक, नेक्रोटिक, इरेगुलर, ग्रेस, लार्जर प्लेट। फिर जो वायरस काजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन, तो वेरियोला जो होता है वो स्मॉल पॉक्स का रहता है। इन पास्ट इन लैटिन अमेरिका, या लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे एपिडेमिक आई थी दो फॉर्म में, फ्लोरिड मतलब फेटल डिसीज और एलेस्ट्रीम। तो जो एलेस्ट्रीम है वो नॉन फेटल है। वेरियोला मेजर, वेरियोला माइनर। वेरियोला मेजर जो है वो स्मॉल पॉक्स का रहता है, वेरियोला जो माइनर है वो एलेस्ट्रीम। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट कर दिया कम्प्लीटली 1980 में WHO ने, और रूटीन वैक्सीनेशन अब बंद कर दिया गया है इसका। वैक्सीना की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल वायरस है, ये नेचर में नहीं पाया जाता है। इट मे हैव इन्वॉल्व फ्रॉम काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, तो ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से इसका अनुकूलन हुआ, काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से। ये कोई नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल है। और इट काजेस लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन, ये स्किन इन्फेक्शन करा रहा, और एज अ वेक्टर भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो काउ पॉक्स है, ये काउस में होता है, वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस करता है, उनके टीट्स और उडार्स जो उसके थन होते हैं उसमें ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्सर प्रोड्यूस करता है काउ पॉक्स। और ह्यूमन इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, तो मिल्किंग के द्वारा, मिल्क से हो रहा। मैक्यूल्स पशुल्स लाइक लीजन देखने को मिलेंगे हमें, और रोडेंट्स में इसके रिजर्वायर होते हैं, जनरल रिजर्वायर रोडेंट्स। ह्यूमन मंकी पॉक्स, तो माइल्ड स्मॉल पॉक्स का रहता है ये मंकी पॉक्स, और एक्वायर्ड बाय हैंडलिंग इन्फेक्टेड एनिमल। जैसे कि किसी एनिमल को इन्फेक्शन था, उसको अगर हैंडल कर रहे हैं तो उससे ह्यूमन बींग में आ जाएगा। फिर मिल्कर्स नोट, तो ये टीट्स और उडार्स पेटल्स में पाया जाता है, ये भी उनके थंस में, और सिमिलर टू काउपॉक्स, काउपॉक्स के सिमिलर है ये। पश्चुलर लेयर रेयरली होता है। और आप की बात करें तो ये जो है और आप क्या कराता है, पश्चुलर डर्मेटाइटिस ऑफ गोट्स एंड सीप, जो भेड़ है और बकरी है उसकी में पश्चुलर डर्मेटाइटिस करा रहा। सिंगल लीजन ऑफ फिंगर और हैंड और अकसली ऑन द फेस, ह्यूमन की बात करें तो उसके हाथों में, फिंगर्स पे और फेस फेस के लीजन देखने को मिल सकते हैं। फिर मोलस्कम कंटाजिनोसम, ये इपीडर्मल ट्यूमर लाइक लीजन देखने को मिलते हैं। मोलस्कम कंटाजिनोसम में ट्यूमर लाइक लीजन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मोलस्कम कंटाजिनोसम। और कंटाजीनियस डिसीज नाम में ये मोलस्कम बॉडीज बनती है इसमें, जो कि एस्टोफिलिक हाइलिन एस्टोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज होती है। और ट्यूमर लाइक लीजन कहाँ पे कराता है, ये बटक्स, लेग्स, आर्म्स, जेनाइटल एरिया। तो मोलस्कम कंटाजिनोसम ये कंटाजीनियस डिसीज है। इपिडर्मल ट्यूमर लाइक लीजन देखने को मिलते हैं आर्म, लेग और बटक जेनाइटल्स में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, इसमें मोलस्कम बॉडीज बनती है जो कि हाईली एसिडोफिलिक नेचर। फिर टेनोपॉक्स,
ये इंसेक्ट बाइट से एक्वायर्ड होता है। और